नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा। आज आपको सेरोटोनिन सिंड्रोम के बारे में बताने जा रहा हूं। तो हम इसमें समझेंगे इसका क्या मतलब है, इसके क्या सिम्टम्स हैं, क्या कारण है, कैसे पहचाने और कैसे ट्रीट करें और क्या प्रग्नोसिस होगा। तो अगर आपको भी सेरोटोनिन सिंड्रोम हुआ है या आपके परिवार में कोई एसोसिएटेड हुआ है इससे और उसके बाद भी सिम्टम्स परसिस्ट कर रहे हैं तो व्हाट्सअप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में रहेगा, कृपया डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सएप पे जाके अपना अपॉइंटमेंट बुक करें। देखो, सेरोटोनिन सिंड्रोम उनको डेवलप होता है जो कि दवाइयां लेते हैं, एक से ज्यादा, दो एक से ज्यादा। फॉर एग्जांपल कौन सी दवाई? SSRI, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिअपटेक इनहिबिटर, एंटी डिप्रेसेंट दवाइयां, जो टेंशन की दवाइयां लेते हैं, डिप्रेशन की दवाई लेते हैं, उनमें ये सिंड्रोम होने के चांसेस हैं। या फिर कोई कोकेन एब्यूजर है, ओपोइड्स ले रहा है, या फिर MDMA नाम की ड्रग्स ले रहा है, या फिर एम्फेटामाइन, मेथाइलफेनिडेट वगैरह जैसी दवाइयां ले रहा है, SNRI, ऐसी दवाइयां लेने से सिम्टम्स आते हैं सेरोटोनिन सिंड्रोम के सिम्टम्स आते हैं। 15% लोग ओवरडोज ले लेते हैं ज्यादा दवाई लेने से ये सिम्टम्स आते हैं, पर कुछ लोगों में नॉर्मल डोजेस लेने पे भी सेरोटोनिन सिंड्रोम डेवलप होता है। अब इसके जो सिम्टम्स होते हैं, जैसे आपने कोई भी ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, एक SSRI ये दवाई ली और अब आपको सेरोटोनिन सिंड्रोम डेवलप हो गया है, तो इसके सिम्टम्स कब आएंगे? भैया तुरंत आते हैं, विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर अंदर जल्दी से जल्दी सिम्टम्स आ जाते हैं। अब सिम्टम्स क्या होंगे, सेरोटोनिन सिंड्रोम क्या होता है, क्या सिम्टम्स आएंगे? दिल की धड़कन तेज होगी, धक 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 धक, घबराहट होगी, पसीने आएंगे, डायलेटेड प्यूपिल्स, आंखें डायलेटेड हो जाएगी, मायोक्लोनस होगा, ट्रेमर्स आने लगेंगे, हाथ कांपने लगेंगे, बीपी बढ़ने लगेगा, बॉडी टेम्परेचर हाई हो जाएगा, 40 डिग्री सेल्सियस या 104 फ़ारेनहाइट। तो ये हो गया आपका सेरोटोनिन सिंड्रोम। उसके अलावा नींद नहीं आएगी, बेचैनी होगी, मेटाबोलिक एसिडोसिस में जा सकते हैं, रेब्डोमायलाइसिस में जा सकते हैं, सीजर्स, मिर्गी आ सकती है, किडनी फेल हो सकती है। तो ये एक एक्यूट इमरजेंसी है, तुरंत 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 हॉस्पिटल इमरजेंसी में जाएं, दिखाएं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा इसमें ट्रायड होता है, सेरोटोनिन सिंड्रोम को पहचानने का ट्रायड होता है। सोमेटिक सिम्टम्स, सरदर्द होना, हेडेक, हाइपोमेनिया जैसे सिम्टम्स, हलूसिनेशन, कोमा में भी पेशेंट जा सकता है। ऑटोनॉमिक सिम्टम्स आएंगे जैसे शिवरिंग, थर 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 कांपना, टैकिकार्डिया, नोजिया, डायरिया। सोमेटिक सिम्टम्स आएंगे मायोक्लोनस, हाइपर रिफ्लेक्सिया। तो ये आपको हो गया सेरोटोनिन सिंड्रोम के सिम्टम्स। अब इसको कैसे पहचाने, पेशेंट का क्लिनिकल हिस्ट्री, भाई मेरी कल से दवाई चेंज हुई या ओवरडोजेस ले लिया, SSRI या SNRI चल रहा है, या TCA चल रहा है, या ओपिएट्स चल रहा है, या कोकेन अब्यूज हिस्ट्री चल रहा है। तो ये सारे सिम्टम्स हो गए। पेशेंट के क्लिनिकल फीचर्स देखेंगे, हिस्ट्री देखेंगे, उसे पता चल गया पेशेंट नहीं बता पा रहा है तो रिलेटिव्स बताएंगे। अब बात आती है ट्रीटमेंट की, हाउ टू ट्रीट, इस बीमारी को कैसे ट्रीट करें, इस सिंड्रोम को कैसे ट्रीट करें। उसके लिए आपको सेरोटोनिन एंटागोनिस्ट देना पड़ेगा, जिसे हम बोलते हैं सिप्रोहेप्टाडीन, 12 mg इनिशियली, स्टार्टिंग में 12 mg दो, उसके बाद 12 mg एवरी 2 आवर्स, हर 2 घंटे में दो। इससे भी कंट्रोल नहीं होता है तो हम बेंजोडियाजेपिन नाम की दवाइयां दे सकते हैं, उनसे भी कंट्रोल नहीं होता है तो एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ऑलेंजापिन नाम का ड्रग दे सकते हैं। ये हो गया। उसके अलावा बीपी बहुत हाई है तो एस्मोलॉल, प्रोपेनोलॉल, नाइट्रोप्रुसाइड, ये दवाइयां दे सकते हैं। हो सकता है ऑक्सीजन सैचुरेशन पेशेंट का ड्रॉप कर रहा हो तो ऑक्सीजन थेरेपी हम पेशेंट को देंगे। हाइपरथर्मिया है तो एंटीपायरेटिक दे सकते हैं। तो ये सिम्टम हुआ सेरोटोनिन सिंड्रोम का। अब इसके बाद बात करते हैं प्रग्नोसिस, आउटकम क्या होंगे। जैसे क्या होता है कि मोस्टली जो पेशेंट होते हैं वो 24 घंटे के अंदर अंदर रिकवर हो जाते हैं, ठीक हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती, पर कुछ पेशेंट्स में डिलीरियम थोड़ा सा लंबा भी चल जाता है, कुछ दिनों तक चल जाता है, और कई बार सिम्टम्स रिजोल्व नहीं होते हैं क्योंकि जो वो प्रिपरेशन ले रहते हैं उनका जो हाफ लाइफ होता है, जो इफेक्ट होता है मेडिसिन का, वो थोड़ा लंबा चलता है। तो ये हो गया सेरोटोनिन सिंड्रोम के बारे में। अगर आपको भी ऐसा सिम्टम्स है तो व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में है, कृपया डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सएप पे जाके मैसेज करें, अपना अपॉइंटमेंट बुक करें। लास्ट में थैंक यू, धन्यवाद, और व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो यूट्यूब में है। थैंक यू।